मैं सावित्री चौधरी अब एक अपनी कहानी पढ़ रही हूं। इसका शीर्षक है जीवन का दिवाला। कितनी देर से मन चाय के लिए तरस रहा है। रसोई भी कमरे के पास ही है, पर वहां तक भी चलकर नहीं जा सकती घुटनों के दर्द के मारे। क्या करूं, कुछ देर पहले तो हाल चाल पूछने आई पड़ोसन बैठी थी, उसी से चाय बनवा लेती तो ठीक रहता। जाने क्यों कोई हाल चाल पूछने आए तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बुढ़ापे की लाचारी पर ही तरस खाकर आया है। मैं कौन सी बरसों की बीमार हूँ, घुटनों में ही तो जानलेवा दर्द है। जो भी आता है दवाई लेने की सलाह देता है, इतना तो नहीं करते कि पानी का गिलास ला दे या चाय बनाकर पिला दे। कुंदन भी तो नहीं आया कई दिनों से, यदि आ भी गया तो कौन सी मेरी सेवा टहल कर देगा। आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है। बड़ा वकील जो ठहरा, पहले तो माँ माँ करता, कैसे मेरे इर्द गिर्द फिरा करता था लवारे बछड़े की तरह। विवाह क्या हुआ, पत्नी के मोह जाल में फंसकर दिनों दिन दूर होता गया मेरे से। और बहू, हे भगवान, कितनी भोली भाली दिखती है, पर है गजब की चंट चालाक। तभी तो पति को बस में कर ले गई मेरी नजरों से दूर। न तो माँ दिखेगी न मोह ममता रहेगी माँ बेटे में। आंख ओठ पहाड़ ओठ जैसी होती है। कुंदन के पापा तो दिल के दौरे से नींद में ही चल बसे थे। न कुछ अपने मन की कह सके, ना ही मुझे कोई नसीहत दे सके। मन की मन में ही रह गई। मेरा मन तो अब हरदम रोता सुबकता ही रहता है। कितना अहंकार था उनको अपनी सोच समझ पर। बड़ी शेखी से कहते थे कि बेटे के लिए हूर परी सी बहू लाऊंगा, अमीर घराने की खूब पढ़ी लिखी लड़की जो मेरे कुंदन के साथ साथ नए जमाने में भी निभ सके, फर फर अंग्रेजी बोल सके। पर ले आए इस कामचोर तेज तर्रार जवान दराज को खोजकर। अब आप तो चलते बने ऐसी नालायक बहू हम दोनों माँ बेटे के माथे मंड कर। कितना अच्छा होता यदि गाय जैसी सीधी सरल और गुणों की खान वर्मा जी की बेटी ले आते। बाप गरीब था तो क्या हुआ, बेटी को तो खूब पढ़ाया था। वह लड़की ऐसी चतुर मेहनती कि मिनटों में घर के सब काम सलटा देती। खूब किफायत से घर खर्चा चलाती परिवार का। स्वभाव की भी हंसमुख और मिलनसार, आदर भाव से करती मेरी सेवा टहल, अदब कायदे से रहती। अब तो दो रोटियां भी मुझे ही सेकनी पड़ती है। कुंदन के पापा जी के मरने के बाद तो हारी बीमारी में भी दलिया खिचड़ी बनाकर देने का सहारा भी नहीं। क्या करूं, किससे कहूं अपना दुखड़ा, बस आंसू पीऊं और गम खाऊं, यही लिखा है नसीब में। वे बड़े विश्वास से कहा करते थे, कुंदन तो अपने बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है। हमने कितनी मेहनत की थी बेटे के भविष्य को सजाने संवारने के लिए। तर माल दिया करते थे बेटे को खाने के लिए, नई महंगी ड्रेस पहनाते थे। जिस दिन कुंदन ने वकालत पास करी थी तो हम कितने खुश हुए थे, पूरी कॉलोनी में मिठाई बंटवाई थी। पता नहीं आज भी बेटा आएगा या नहीं, उसके साथ दुख सुख की दुनियादारी की बातें करने के लिए मन कितना तरसता है। लोगों की आंखें रोती है पर मेरा तो हृदय रोता है। अरे बेटा, हमने तेरे लिए कैसे कैसे दुख और तकलीफें झेली थी, सही थी। कितना परिश्रम किया था हमने तेरा भविष्य सुनहरा बनाने के लिए, पर अब तुम तो मेरी परवाह नहीं करते कतई। अब क्यों ठिणक रही है, जवानी में तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। केवल बेटे की गलत सलत ढंग से परवरिश करना ही तुम्हारा फर्ज था, आत्मा ने टोका अम्मा जी को। एक तो मेरी आत्मा भी आजकल बहुत ही पेचीदा सवाल पूछने लगी है। बता, बेटे को सेवा त्याग परिश्रम और ईमानदारी के संस्कार क्यों नहीं दिए, अच्छी बातें सिखाना क्या तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं थी। यदि बेटे के पालन पोषण में भगवान के भय का तत्व शामिल होता तो आज उसे कोठी बनवाने से ज्यादा
माँ के दुख सुख की परेशानी की चिंता होती, लेकिन बेटे के व्यक्तित्व का निर्माण तो तुमने इस मतलब से किया था कि बड़ा होकर खूब ठाठ वाठ ऐश आराम से रहे बेटा। आत्मा ने कहा, अब ठाठ बाट ऐश आराम से तो रहता ही है, पर यह नहीं सोचता कि उस पर भी एक दिन बुढ़ापा छा जाएगा। सुना है आजकल तो फीस के बहाने खूब लूट खसोट मचा रखी है बेटे ने। तुम भी तो यही चाहती थी, ये बातें ही तो सिखाया करती थी बेटे को। आत्मा ने कहा, तुम ही तो कहती थी कि बेटा वकील बन जा, फिर करना रोजाना हजारों के वारे न्यारे। फिर अब क्यों दोष दे रही है बेटे को? तुमने ही तो बेटे का लालन पालन गलत ढंग से किया था और उसकी शादी का विशेष फैसला भी। अब क्या करूं, आखिर आज मेरी आत्मा क्यों मेरी दुखती रगों को छेड़ रही है? कितना चाव था मुझे पोता पोती को खिलाने का। सोचा करती थी कि पोता पोती की प्यारी प्यारी तोतली बातें गोदी में बैठा कर सुना करूंगी। सब चाव चाहत मन के मन में ही दफन हो गए। पहला बच्चा होने के कुछ दिन बाद ही बेटा बहू तो मन पसंद बनवाई कोठी में रहने के लिए चल दिए। बूढ़ी तो रहे तरसती चाय पानी दवा दारू को भी। अब यदि बेटा नए जमाने के अनुसार परिवार में ही मस्त मगन है तो मन क्यों दुखी हो रहा है? आजकल डिस्पोजल का चलन है, खा पीकर जूठे रीते बर्तनों को फेंक दो। अपना मतलब निकलने पर हर एक चीज बेकार हो जाती है, बूढ़े बुजुर्ग भार लगने लगते हैं। तभी तो मुझे भी बेकार समझकर इस खंडर हो रहे घर में पटक रखा है। हे राम, पानी बिना गला सूख रहा है, परिंदा भी दूर है। अब तो थोड़ी दूर पड़ी चीज भी नजर नहीं आती, किंतु नजर इतनी कम भी नहीं हुई है कि बेटा बहू की लालची निगाह न पहचान सकूं। उनकी जासूस नजरें मेरे बिस्तर की तलाशी लेती रहती है। तभी तो नोट और गहने तकिए में छिपा रखे हैं मैंने, उनके आते ही चौकस होना पड़ता है। पर कब तक? मेरे मरने के बाद बेटा बहू ही तो लेंगे मेरे गहने और जमा पूंजी, मैं तो साथ ले जाने से रही। मसान, हाय राम, कितनी डरावनी जगह होगी, वहां मुझे कैसे चैन मिलेगा? मैंने तो इस जीवन में कुछ भी भले काम नहीं किए, 80 साल की उम्र तक मोह माया में फंसी रही। कभी भी दान पुण्य नहीं किया कोई भी, ना ही कभी कोई तीर्थ यात्रा की। सेवा त्याग का तो महत्व कभी समझी ही नहीं। बस घर की सार संभाल और बेटा बहू के लिए घर को सामान से भरती रही, कंजूसी करके जोड़ती रही रुपए और बहू के लिए खूब गहने बनवाए। क्यों नहीं, विकलांग देवर की मदद की मैंने। बेचारा अच्छे इलाज और भर पेट खाने को तरसता कलपता ही चल बसा। यदि उस बेबस विकलांग देवर की सेवा टहल करती, उसे भी बेटे जैसा समझती, तो उसके आशीष से मेरा बेटा जरूर ही स्वर्ण कुमार जैसा सेवादार होता। फिर तो मेरा बुढ़ापा भी सुख शांति से गुजरता। भगवान ने कितना श्रेष्ठ मानव जीवन दिया था, सुनहरी मौका दिया था। खुले हाथों से दान पुण्य कर, बेसहारों की सेवा टहल कर, नाम और यश कमाने के लिए, भलाई के कार्य करने के जितने भी अवसर मिले सब गमा दिए मैंने। तो कोई भी तो ऐसा नेक काम दान पुण्य नहीं किया जिससे लोग मुझे याद करते, मेरे गुण नेकी बखानते मेरे मरने के बाद। जीवन के हर एक लेन देन में एक भी उल्लेखनीय काम नहीं किया मैंने, तभी तो मेरे जीवन का दिवाला निकल गया। अब कितना भी पछताते रहें, कलपते रहें, हाय रे मनवा, अब क्या करूं, बीता समय तो वापस आने से रहा। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि इंसान की पहचान उसके कामों से ही होती है? जीवन में जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है उनसे ही मरने के बाद इंसान का मोल महत्व आंका जाता है, दुनिया में याद किया जाता है। तभी तो कहते हैं, तन धन मिट जाएगा और ढहे मकान महल मकान। तन धन मिट जाएगा
और डहे महल मकान, नाम काम कभी ना मिटे, चर्चा करे जहान।